ठीक है, अब देख सकते हो ये ब्लड आ रहे हैं, इन ब्लड को मैं सेकेंड ड्रॉप को यहां लेना चाहूंगा। आज के इस वीडियो में बच्चों हम ये देखेंगे कि कैसे लैब वाले टेक्नीशियन ये पता लगा लेते हैं कि आपके ब्लड ग्रुप कौन से हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहो तो अपने घर के हर एक फैमिली मेंबर्स की ब्लड ग्रुप का पता आप खुद से ही घर में लगा सकते हो। एटलीस्ट आपको आइडिया तो मिल जाएगा कि पता कैसे लगाया जाता है। एज यू ऑल नो, जो इंसानी ब्लड होते हैं उसको फोर क्लासेस में या फोर ग्रुप्स में हमने कैटेगराइज किया है, ए बी ए बी और ये होते हैं ओ, और इसके साथ प्लस और माइनस भी इंडिकेटेड होता है। यहां जो हम बात कर रहे हैं इसे हम कहते हैं ए बी ओ सिस्टम। हालांकि कुछ लोग अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए होंगे तो उन्होंने बॉम्बे ग्रुप जैसे भी कुछ ब्लड ग्रुप्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज हम बात कर रहे हैं ए बी ओ सिस्टम की। इस सिस्टम को हम कहते हैं ए बी ओ सिस्टम, और आर एच सिस्टम से हमें यह मालूम चलता है कि ब्लड जो है वो पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके ब्लड ग्रुप हो सकते हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और या फिर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, इसमें से कुछ आपके ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो चलिए इसी चीज का हम आज पता लगाने वाले हैं, सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, चीजों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार अपने स्क्रीन में सारे इक्विपमेंट्स को देख लीजिए कि किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो आप सबसे पहले देख लो, यहां एक स्लाइड मैंने रखा है, यहां मैं ब्लड का सैंपल कलेक्ट करूंगा और इसके हेल्प से मैं ब्लड को निकालूंगा। एंड यू नो, पहले सैनिटाइज हमें कर लेना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास कुछ प्रॉपर कॉटन है, और फाइनली मेरे पास ये केमिकल होगा जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए इस चीज को मैं इसी को शो कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसके हेल्प से मैं सारी चीजें करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले समझ लो। अब क्योंकि मेरे आसपास कोई है नहीं ब्लड देने के लिए, तो मुझे इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए अपना ही ब्लड यूज करना होगा। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि इस चीज को कैसे कर सकते हैं। तो इसके हेल्प से मैं ब्लड निकालने वाला हूं अपना, उसके बाद मैं 3 ड्रॉप्स यहां ब्लड का लूंगा। हम चाहे तो 4 ड्रॉप्स भी ले सकते हैं, लेकिन 3 की रोल होने वाली है, और इन तीनों में मैं फिर बाद में यहां जो केमिकल मेरे पास रखे हुए हैं इन केमिकल्स को मैं 1 by 1 ड्रॉप करूंगा। चलिए मैं पहले केमिकल आपको शो कर देता हूं। देखिए मेरे पास ये 3 केमिकल्स होंगे। सबसे पहले आप देखो यहां मैं केमिकल को शो कर रहा हूं, 1 by 1 आपको डिटेल में शो कर देता हूं। ये जो केमिकल है ब्लू वाला, आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, इसका नाम है NTA। अगर शायद आपको ये कैमरे में नजर आ जाए तो अच्छी बात है, यहां लिखा हुआ है NTA और नीचे A भी लिखा हुआ है। चलिए इसका नाम है NTA। उसके बाद दूसरी जो केमिकल है ये है NTB, आप देख सकते हो यहां आपको नाम शायद देखने को मिल जाए, मैं कोशिश करता हूं बट मुझे नहीं आइडिया है कि कैमरे में आपको ये नजर आ रहा होगा या नहीं, बट मैं बता देता हूं यहां लिखा हुआ है NTB, राइट। और इसके बाद जो यहां 3rd केमिकल है इसका नाम NTC नहीं है, इसका नाम है NTD, राइट ना। तो NTA, NTB और इसका नाम है NTD। मोर और लेस ये रोल प्ले करेगा ए को लेकर के, ये रोल प्ले करेगा बी को लेकर के, और ये जो रोल प्ले करेगा ये इसमें से किसी के लिए नहीं रोल प्ले करने वाला है, इससे हमें मालूम चलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, इसलिए इसका नाम रखा गया है एनटीडी। चलिए सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं, इसे पहले मैं थोड़ा सा हटा करके साइड में यहां रख देता हूं, राइट। अब देखिए कैसे हम सारे काम को परफॉर्म करने वाले हैं, पहले पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। देखो मैं सबसे पहले यहां 3 ड्रॉप्स लूंगा अपने ब्लड का, उसके बाद मुझे करना यह है कि फर्स्ट वाले में मैं NTA डालूंगा, ये जो ब्लू वाला है NTA है, सेकंड वाले में NTB को डालूंगा और थर्ड वाले में NTD को डालूंगा। उसके बाद मुझे ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगा इसको, उसके बाद ऑब्जर्व ये करना होगा कि रिएक्शन हुए या नहीं हुए, और जहां जहां ये रिएक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें ये मालूम चल जाएगा कि हमारे ब्लड ग्रुप कौन से हैं। ऐसे मैं अभी ही बता दूं, मेरे जो ब्लड ग्रुप है वो मैं जानता हूं, मेरे ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, और देखते हैं बी पॉजिटिव आता है या नहीं आता है। चलिए फिर हम चीजों को कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले देखो इसके हेल्प से मैं ब्लड को निकालने वाला हूं, तो ये कैसे काम करता है थोड़ा सा आप चाहो तो समझ लो। सबसे पहले आपको इस चीज को अनलॉक करना होगा, उसके बाद इसको निकालना होगा। यहां जो पुराने नेडल है ऑब्वियसली मुझे इसे हटा देना चाहिए, ओके। अब मुझे एक नया निडल लेना होगा, इस चीज को, इस कार्टेज को मैं यहां फिट कर देता हूं, कुछ ऐसे ये सही तरीके से फिट होता है, मुझे सही तरीके से यहां फिट कर लेना चाहिए इस चीज को। उसके बाद देखो इस चीज को मैं घुमा करके तोड़ दूंगा, और अब ये जो निडल है वो यूज के लिए तैयार है, ओके, ये यूज के लिए अब तैयार है। तो इस चीज को देखो आप देख सकते हो, इसे मैं हटा देता हूं, राइट, ओके, ये यूज निडल है तो उसे मैं दूर ही रखूंगा।
अब उसके बाद क्या है, देखो इस चीज को मैं ऐसे यहां सेट करूंगा, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं ये ठीक से लगा है या नहीं लगा है, और उसके बाद इस चीज को मैं यहां ऐसे लॉक कर दूंगा। ठीक है, ये लॉक हो गया। इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, यहां आप देख सकते हो इसको रोटेट किया जा सकता है। अब अगर कोई ओल्ड एज वाले पर्सन है जिसकी ये जो स्किन है वो काफी मोटी है, तो आपको इसे यहां रखना होगा, ये जो आप देख रहे हो ना यहां रखना होगा। और यहां रखने का मतलब है कि जो ये निडल है जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये थोड़ा ज्यादा अंदर तक जाएगा, क्योंकि ओल्ड एज वालों के पास ब्लड की कमी हो सकती है तो निडल को थोड़ा डीप जाना होता है। और अगर किसी काफी छोटे बच्चे के साथ आप ये काम कर रहे हो तो आपको ये लेवल 1 में रखना चाहिए। मुझे लगता है मेरे लिए ये लेवल आई थिंक ये वाला ठीक होगा। चलिए मैं यहां रखता हूं, थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए तो चलेगा। तो चलिए मैं इस चीज को यहां रखना चाहूंगा ताकि प्रॉपर ब्लड भी आनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को देखो मैंने यहां रखा। ठीक है, 1 2 3 इस तरफ से मैंने थर्ड वाले में रखा। तो चलिए अब ये रेडी है। अब ये काम कैसे करता है ये देखो, इस चीज को पीछे की ओर ऐसे खींचना पड़ता है और आप देख सकते हो यहां एक चीज आ गया होगा ऑरेंज टाइप का, फिर जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये रिलीज हो जाएगा। राइट, तो चलिए इसको मैं एक बार लोड कर देता हूं। ये देखो रेडी है, अब रेडी टू यूज हो गया। आप यहां से देख सकते हो अगर शायद कैमरे में नजर आ रहा है तो। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा फिंगर में सड़ा करके तो मेरे फिंगर से ब्लड आएंगे, और ऑब्वियसली पहले मुझे सैनिटाइज कर लेना चाहिए प्रॉपरली। तो ये रहे मेरे पास कॉटन। ठीक है, पहले मैं हैंड को क्लीन कर लूं और अब इससे भी सही तरीके से क्लीन कर लूं। चलिए इस चीज को मैंने साइड किया, और किस फिंगर से लेना सही रहेगा क्योंकि मुझे लिखना और समझना और समझाना भी है तो ये ठीक रहेगा। चलिए इस चीज को मैंने यहां देखो ऐसे कुछ क्लीन कर लिया। ठीक है, अब सारी चीजों को डिटेल में देखते जाओ। थोड़ा सा क्लीन करने के बाद अब मैं बस सीधा इसको लूंगा और यहां इस चीज को ऐसे रिलीज कर दूंगा। अब देख सकते हो ब्लड मेरे आ गए हैं, तो नो डाउट काफी हल्की सी ब्लड आ रही है तो कोई बात नहीं। एक्चुअली होल काफी थोड़ा सा हुआ है इसलिए मुझे लेवल थोड़ा सा बढ़ाना होगा और एक बार मुझे फिर से ट्राई कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं इस फिंगर में एक बार ट्राई करता हूँ। एक्चुअली रिलीज मैंने पहले कर दिया था और प्रॉपरली वो सटा भी नहीं था, उसी समय मैंने रिलीज कर दिया था। रिलीज करने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो ये होता है, आप देखो इस चीज को, और यहाँ सटा करके मुझे रिलीज करना होगा और इस बार प्रॉपर ये रिलीज हुआ है और अब मेरे ब्लड देखो आप अच्छे से आएंगे। ठीक है, इस बार थोड़ा सा कम आया कोई बात नहीं, और अब देखो सही तरीके से ये ब्लड मेरे आ रहे हैं आप अगर कैमरा में देख पा रहे हो तो। तो चलिए इस ब्लड को मैं लेता हूं, 1 ड्रॉप मैंने यहां लिया। ठीक है, अब देख सकते हो ये ब्लड आ रहे हैं, इन ब्लड को मैं 2nd ड्रॉप को यहां लेना चाहूंगा। मैं कोशिश करूंगा जो एडिटिंग के समय कम से कम कट करूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। एटलीस्ट अभी तो कट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ओके, तो ये 3 ड्रॉप्स देखो मैंने ले लिया। आप अगर कहोगे तो कंपेयर करने के लिए आप देख सकते हो, आप कैमरे में मैं शो करना चाहूंगा इस चीज को। तो सैंपल के लिए मैं 4th भी ले लेता हूं। ठीक है, बट जैसा कि मैंने बताया कि रोल हमारे इन्हीं 3 के होंगे तो यहां थोड़े से ब्लड आए हैं, बट कोई बात नहीं, इस ब्लड को मैं थोड़ा सा और ले लूं यहां। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट को सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब वक्त है इस ब्लड को एलिमिनेट करने का, तो इसे मैं हटा देता हूं। बट दोनों फिंगर में होल है तो थोड़ा सा मैं इसको रखना चाहूंगा ऐसे करके। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब इसे मैं साइड रखता हूं। और देखिए यहां कैसे काम करना होगा, मुझे थोड़ा सा जल्दी काम कर लेना चाहिए। अब देखो ये जो सबसे पहले आप देख रहे हो NTA वाला, ये मुझे लेना होगा। मैंने कहा था ये NTA है तो मैं थोड़ा सा केयरफुली ले लूं। ये देखो मुझे 1 ड्रॉप ही डालना है इसमें NTA का, बल्कि 1 से भी थोड़ा कम क्योंकि ब्लड मैंने बहुत कम लिया है। गुड, मैंने वहां डाला NTA 1st वाले में। 2nd वाले में जल्दी से डाल लेते हैं NTB। ये है हमारे पास NTB, जैसा कि मैंने बताया ये पीला वाला जो है ये NTB है। तो 1 ड्रॉप हम डाल देते हैं इसमें NTB का। चलिए ये ठीक रहेगा,
थोड़ा सा और डाल लेते हैं इसको, सो दैट कि अच्छे तरीके से रिएक्शन हो पाए। और एन टी डी को हम डाल लेते हैं, ये देख सकते हो आप, ये मेरे पास है एन टी डी। थोड़ा सा यहाँ ब्लड को मैं मेंटेन कर लूँ, इसको मैंने डाला यहाँ एन टी डी, राइट। चलिए एन टी ए बी सी और तीनों को, सॉरी ए बी और डी को मैंने डाल दिया, और इसके हेल्प से मैं चलिए इसको मिक्स करता हूँ। अब रिएक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। ये देखो मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। अब दूसरे से मैं मिक्स करूंगा इसको, क्योंकि अलग अलग से ही मिक्स किया जाता है। ये देखो मैंने मिक्स किया, राइट। आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। चलिए इसे मैं यहीं रख देता हूं और तीसरे वाले से मिक्स करता हूं मैं डी को। और जैसा कि मैं जानता हूं कि यहां रिएक्शन हो रहे हैं, अब ध्यान से देखो इस चीज को। ओके, इस चीज को ध्यान से मुझे समझाना पड़ेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट कर लेता हूं ताकि रिएक्शन बिल्कुल साफ साफ आपको नजर आ सके। ऐसे इस चीज को रोटेट किया जा सकता है, रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। अब देखिए मैं चीजों को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, इसे मैं ऐसे रख लूं ताकि सब कुछ नजर भी आपको आता रहे। ओके, चलिए इसे थोड़ा सा हटाया जा सकता है। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, चलिए इस चीज को तो खैर मैं बाद में क्लीन कर सकता हूं। ओके, अब यहां आप देखो कि रिएक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, और कैसे आप फिर डिक्लेयर कर सकते हो कि ये जो ब्लड का मैंने सैंपल लिया, यानी कि मैंने जो अपना सैंपल लिया, ये किस ब्लड ग्रुप को बिलोंग करता है। अब देखो यहां पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रिएक्शन कहां कहां हुआ, ए बी और डी, इन तीनों की बात कर रहे हैं। ये तो जस्ट मैंने सैंपल ऐसे ही ले लिया था, तो आप साफ साफ ये देख सकते हो कि इन दोनों में रिएक्शन हुआ है। इसको आप बोल सकते हो पीपीटी फॉर्मेशन, यानी कि दाना दाना टाइप का चीज देखो बना होगा आप। देखो मुझे नहीं मालूम कि ये कैमरे में आपको नजर आ रहा है या नहीं, बट देखो आप, शायद कैमरे में आपको ये नजर आ जाए। ध्यान देना, यहां देखो कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैंने ये जो डाला था उसके कारण कलर चेंज हुआ है। इसको रिएक्शन हम नहीं बोलेंगे कि रिएक्शन हुआ है, बट यहां देखो यहां बाकायदा ये रिएक्ट किया है। इस केस में भी देखो ये रिएक्ट हुआ है, यानी कि पीपीटी टाइप का, दाने दाने टाइप का चीज बन गया है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, बिल्कुल ये आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। तो इन दोनों ही केसेस में रिएक्शन हुआ है। इस चीज का मैं बाद में फोटो लेकर के एक बार फिर से डाल भी दूंगा। चलो ठीक है, फिलहाल मैं इस चीज को यहां रखता हूं। अब देखो ब्लड ग्रुप क्या है, ये कैसे पता चलेगा। ध्यान देना, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए है। आप लोगों को अभी लग रहा होगा तो फिर ओ के लिए क्या है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। देखो मान लो अभी जो मेरा जो यहां रिएक्शन हुआ है, ए में रिएक्शन नहीं हुआ है, बी में हुआ है और डी में हुआ है। अगर डी में रिएक्शन हो तो पहले डी को लॉक कर देते हैं, डी की क्या कहानी है। अगर डी में रिएक्शन हुआ है तो ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव में चला जाएगा, यहां की मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव में चला जाएगा। और अगर इसमें रिएक्शन नहीं होता तो ब्लड ग्रुप आपका नेगेटिव में चला जाता। तो चलो डी की बात को खत्म कर देते हैं, अब बस बात करनी है आपको ए और बी की। देखो ए में तो रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि ए का रोल है ही नहीं, ए का रोल नहीं है इसका मतलब ये दोनों नहीं है आप में। और यहां रिएक्शन सिर्फ बी को लेकर के हुआ है, इसका मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है और बी के साथ पॉजिटिव है। यानी कि फिलहाल इस केस में तो मैं खुद ही हूं, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, राइट। ये चीज क्लियर है आपको, मैं डिटेल में और समझाऊंगा ताकि और भी कुछ एग्जांपल्स लेकर के सारी बातें आपको क्लियर कर दूं। अब मान लो ऐसा होता कि ए ही रिएक्ट होता, बी नहीं होता और ये भी नहीं होता। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आप डी को ही नोट कर लेना। तो देखो डी में रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप चला जाएगा नेगेटिव वाले में। और ए में रिएक्ट हुआ है तो रिएक्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो ये कहलाएगा ए नेगेटिव, राइट ना। मैं यहां देखो लिख देता हूं, इस केस में ब्लड ग्रुप होता आपका ए नेगेटिव, राइट। चलिए कुछ तीसरा चौथा सैंपल लेकर के भी आपको, सैंपल तो नहीं मतलब कि यहां समझा देता हूं। अब देखो मान लो ए भी रिएक्ट हुआ, बी भी रिएक्ट हुआ और सी भी रिएक्ट हुआ, इस केस में आपकी ब्लड ग्रुप क्या होनी चाहिए।
तो ये सिंपल है। देखो ए में भी हुआ रिएक्शन, बी में भी हुआ और डी में भी हुआ। डी में रिएक्शन होने का साफ मतलब है आप पॉजिटिव में हो, और ए और बी दोनों में होने का मतलब है आप इसमें हो, इसमें ए बी में हो, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए बी पॉजिटिव। और इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें होता है, इसमें होता है, और अगर इनकेस इसमें नहीं होता है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। अब मान लो कि तीनों में से किसी में रिएक्शन नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, चलिए मैं इस केस को भी समझाने की कोशिश करता हूं। रिएक्शन नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, तो एक चीज तो क्लियर है ना, डी में रिएक्शन नहीं होने का मतलब है आप नेगेटिव में हो। उसके बाद ए में भी नेगेटिव में आप जा रहे हो, बी में भी नेगेटिव में जा रहे हो, मतलब नेगेटिव तो नहीं, मतलब कि ए में आप नहीं हो, बी में नहीं हो, दोनों में रिएक्शन नहीं हुआ, तो इस केस में यही नया होने वाला है आपके लिए। तो अगर ए और बी में रिएक्शन ना हो, दोनों में से किसी में भी रिएक्शन ना हो, तो आप उस केस में इसमें आ जाओगे, ओ में आ जाओगे, और आपकी जो ब्लड ग्रुप है वो कहलाएंगे ओ। और ये देखो इसमें नहीं हुआ था ना, तो ओ नेगेटिव हो जाएगा, और आप सबको मालूम है ये ओ नेगेटिव वाले सबको अपने ब्लड दे सकते हैं। और इनकेस ए और बी में रिएक्शन नहीं होता और लेकिन डी में होता, तो उस केस में आपके ब्लड ग्रुप कहलाते ओ पॉजिटिव, ठीक है, ये इसमें रिएक्शन हुआ इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, राइट ना। तो इस तरीके से आप अपने ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हो। तो मैंने काफी सारे एग्जांपल्स दे दिए, कुछ और अगर छूट रहे हैं तो आप उस चीज की उस कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हो। बी पॉजिटिव का मैंने दे दिया, ए पॉजिटिव का भी दिया जा सकता है, मैंने यहां देखो ए नेगेटिव का दिया। चलिए आप बताओ मुझे ए पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, तो ए पॉजिटिव के लिए क्या है कि ए में रिएक्शन होना चाहिए और डी में अफकोर्स होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, और बी में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अगर हालात पैदा होते हैं तो आपके ब्लड ग्रुप कहलाएंगे ए पॉजिटिव। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो काफी आसानी से आप अपने घर में पता लगा सकते हो, अगर आपके पास खास करके ये तीन चीज है तो आप घर में ही पता लगा सकते हो कि आपकी या किसी और की ब्लड ग्रुप किस ग्रुप से बिलोंग करता है या फिर आपकी ब्लड ग्रुप कौन सी है। तो चलिए आपने कुछ ऐसे सीखा कि कैसे ब्लड ग्रुप का पता लगाया जा सकता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।